हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, दो डेट्स हैं, उन डेट्स के बीच में कितने मंथ आएंगे ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहां पे देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट में यहां पर मैं चूज कर लेता हूं और यहां पर देख सकते हैं पांचवा यहां पे मंथ 5 है, यानी मई की बात की जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे मई के बजाय यहाँ पे 7 मंथ को चूज कर लेता हूँ, सातवां महीना चूज कर लेता हूँ, तो अभी यहाँ पर कितने महीने हुए कुल मिलाकर के स्टार्टिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट तक, ऐसा कुछ हमें करना है। फिर यहाँ पर आता हूँ और अगर यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ ये डेट और यहाँ पर ईयर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2018 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ 2018। तो ये इस तरीके से 2018 कर दिया और करेंट डेट से 2018, मतलब इस तरह का काम हमें करना है। तो यहाँ क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ ऐड करवा लेते हैं इसको। और ये सारी चीजें हमें चाहिए, लेकिन सारी चीजें ना चाह के हम सिर्फ स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लेंगे और अब हमें मंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल एम, ये लिख दिया हमने और यहाँ पे कोलन लगाया कि हम मंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है डेट डिफ, ठीक है। तो यहाँ लिखा डेट डिफ, ठीक है। तो ये डेट डिफ लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन किया और चूंकि मंथ के लिए जो कीवर्ड बना है वो एम बना हुआ है, तो ये एम लिख दिया हमने और एम लिखने के बाद कॉमा देंगे और स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग डेट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग डेट दे दिया हमने और स्टार्टिंग डेट देने के बाद कॉमा देकर के एंडिंग डेट देंगे। तो यहाँ पे अब एंडिंग डेट भी मैं दे देता हूं, ये दे दिया हमने एंडिंग और यहाँ पे लिख दिया डेट। तो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट भी लिख दिया हमने और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहां से ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करने के बाद यहां से रन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि 2019 से लेकर 21 के बीच में 24 मंथ हुए, यहाँ 48 मंथ हुए और यहाँ पे देखिए 2/5/2021 से 2/7/2021 केवल दो मंथ की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप मंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंटर कीजिए ना, कोई भी डेट एंटर कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं पिछले महीने की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे कर देता हूँ अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2021 और फिर यहाँ पे 1 मई 2021 करता हूं, तो यहाँ पे मंथ अपने आप आ जाएगा, एक महीना हुआ कुल, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा चलिए थोड़ा कम करके देखते हैं, जैसे 1 अप्रैल की बात करते हैं यहाँ से, तो पीछे चलते हैं, 1 अप्रैल हो गया और यहां पे डेट क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं 30 अप्रैल। तो यहां पे देखिए यहां पे 0 मंथ आ जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मंथ की संख्या, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मिनट के लिए हम जो कीवर्ड लिखते हैं वो एन लिखते हैं, ठीक है, और मंथ के लिए एम लिखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।